मालिक, मैं बटर चिकन बना रही हूँ। मैं अभी ये बटर चिकन बना रही हूँ। मैं अभी ये आधा आधा किलो की ज़्यादा है, दो चमचे अदरक लहसुन डाल रही हूँ मिला के रखने के वास्ते मैरिनेट के लिए। एक घंटे के लिए रख रहे हैं हम, चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। दो चमचे मिर्ची डाल रही है, चमचे से आधा किलो की ज़्यादा है गोश्त। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा फूड कलर, ऑप्शनल है फूड कलर, थोड़ा दो चुटकियों तक फूड कलर डाल। और क्या है, ये पाव किलो से ज्यादा दही है, अच्छा गाढ़ा दही डालना इसमें। ये हो गया। और इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करना है। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया, ये एक चम्मच है। और है सो एक चाय का चम्मच नमक है, अपने हिसाब से डाल लेना नमक। नमक, मिर्ची और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ऐसा मत के डालना है, नरम है बारिश की वजह से। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है स्पून से। और ये काजू है 10-15, और ये चाट टमाटो है मीडियम साइज के, चार प्याज है। इसको बॉईल करना है। अच्छे से एक घंटे के लिए रखिए या ओवरनाइट के लिए रखिए, जितना ज़्यादा देर मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा होगा। ये चार टमाटे हैं उबलने के आसे रखिए, ऐसा कट लगा लिए, इसको लगा लेके बॉईल कर। बड़े दो प्याज है, ये छोटे तीन है, इस हिसाब से पानी, एक गिलास पानी डाल के बॉईल कर लेना। ये कौसा क्या है? चिकन मसाला। हाँ, चिकन मसाला है। एक चाय का चम्मच, एक घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखते हैं। मैं डाल दे रही हूँ उबालने को, टमाटर प्याज और काजू को एक साथ बॉईल कर। ये उबल गए हैं, अब इसे उतार के ठंडे होने के बाद ग्राइंड करना है। प्याज, टमाटर, काजू, तीन उबल गए। चिकन है ना, फ्राई कर रहा, तलना है। एक घंटा हो गया था, फ्राई कर इसको अभी नहीं पलटाना, एक 5 मिनट्स के बाद में पलटा मम्मी को, वो कोटिंग निकल जाए। अब ग्रेन करें, 30 सेकंड ग्रेन लगे। ये थोड़ा मलई है, क्रीम मलई, घर की मलई है। ये है ना टमाटर केचप, टमाटर केचप है। ये
टीस्पून टमाटो केचप, ये एक बड़ा चम्मच मिर्ची, ये एक चम्मच जीरे धनिया का पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन, ये है तो कसूरी मेथी, थोड़ा नमक। टेन मिनट्स तक ऐसे फ्राई करके पीटा ले, इनको ऐसे ही फ्राई कर लेना। ये सब मिला के रखे गए टमाटर, ये दो बड़े चम्मच ऑयल लिए, ये गरम हो गया, ये जो पेस्ट बनाई थी टमाटर प्याज काजू, अच्छे से भून भुना, ऑयल ऊपर आए तो इसको स्लोली भुना मीडियम फ्लेम में। ये मसाला भी उसमें डाल दें, जो भी जो मैरिनेशन के लिए रखे थे ना, ऑयल सेपरेट लेकर ऐसे ही भूनना। टेन मिनट्स तक बटर है, बटर डाल एक चम्मच, ये सेपरेट हो गया। अब हम इस पॉइंट पर जो चिकन फ्राई करे थे वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया, अब हम ये चिकन जो फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। और 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। ये अच्छा पक गया, देखो अच्छा तेल चिकन आ गया। अच्छा दम पे थोड़ा रख देना है, 10 मिनट तक दम पे रखना।
से रख लो। ये हो गया, अच्छा पक गया। देखो थोड़ा ये धुआं भी दे दिया थोड़ा, इसको निकाल दे। अब इसको डिश आउट करना है।